अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरयार एंड यू आर वॉचिंग ऑटो एक्सफिनिटी। टुडे आई हैव विद मी सैयद आसिफ अहमद, हु इज़ द जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ एमजी मोटर्स पाकिस्तान। और यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2022 का आज डे नंबर 1 है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 31st of July 2022। सो आज सैयद आसिफ साहब से जानते हैं कि आज जो यहाँ पे एक एक्टिविटी चल रही है एमजी मोटर्स के स्टॉल पे, इसके हवाले से सबसे पहले एमजी का मैं आपको ये बताता चलूँ कि एमजी को अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान में एंड इट हैज़ लॉन्च्ड एमजी एचएस विच इज़ अ सी सेगमेंट क्रॉसओवर एसयूवी विच इज़ पावर्ड बाय 1.5 लीटर टर्बो इंजन। और उसके साथ साथ वी हैव एमजी ZS विच इज़ पावर्ड बाय 1.5 लीटर इंजन। और इस वक्त ये दो गाड़ियाँ हैं, बोथ ऑफ देम आर इम्पोर्टेड CBU यूनिट्स। तो अब आसिफ साहब से ये जानते हैं कि एक तो एमजी का थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हमें बताएं और उसके अलावा हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें एमजी के बारे में। सर एक तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एमजी इज़ अ वेरी रिच ब्रांड विद अ ब्रिटिश लेगेसी और इंसिडेंटली हम उस वॉल पे ही बैठे हुए। एग्जैक्टली। सो वी वांट टू एजुकेट पाकिस्तानीज के दिस ब्रांड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1924 एंड इट हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ जर्नी। सो इट्स अ रिच आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड विच वाज बॉट बाय SAIC इन 2006 एंड आफ्टर दैट द फ्यूचर ऑफ एमजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द मोस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड मोस्ट सेफेस्ट कार इन द वर्ल्ड। सो वी आर डूइंग वंडर्स ग्लोबली एंड इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान टू एक्सपीरियंस एमजी। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बारे में अब एमजी का, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है पाकिस्तान में बट वी हैवेंट सीन द लोकल कार्स इन पाकिस्तान, तो इस हवाले से व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं हमारे बहुत कि कब आ रही है पाकिस्तान में लोकली गाड़ियाँ बनी हुई, जो कि जैसे CKD कम्प्लीटली नॉकडाउन कार्स कहते हैं, और इसके अलावा पहली गाड़ी कौन सी होगी आफ्टर दीज लाइनअप ऑफ क्रॉसओवर्स विच इज़ MGHS एंड ZS। So the answer to your question is not simple, yeah, and it's not easy. Exactly. So मैं थोड़ा time लूँगा लेकिन मैं आपका answer sure, completely sure. दे दूँगा। पहले तो पाकिस्तान is a very CKD oriented market. पाकिस्तान में कोई भी company अगर आना चाहती है और रहना चाहती है तो उसे local production करनी पड़ेगी because the Pakistani policies is towards localization. Exactly. ये बात MG को बहुत अच्छी तरह पता है और MG before it decided to came to Pakistan was committed to a CKD production. हमारा प्लांट है, हमारा प्लांट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। उस प्लांट के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें डिले सिर्फ और सिर्फ जो कोविड रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से आया है। और हम जानते हैं कि कभी शंघाई बंद हो जाता है, कभी फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो एमजी अपनी जो लोकलाइजेशन का मकसद है उसकी तरफ गामजन है एंड वेरी सून यू विल बी एबल टू सी CKD MGHS इन पाकिस्तान। हमारी वर्कफोर्स रेडी है, हमारी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, हमारे कुछ लोकल मॉडल्स बन चुके हैं, सो वी आर वेरी क्लोज टू द गोल ऑफ गिविंग पाकिस्तान द CKD वर्जन। दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 1। सो आप जानते हैं कि हमने HS प्रोड्यूस कर दिए है, exactly. आप जानते हैं कि हमने कुछ ZS भी पाकिस्तान में लेकर आए हैं और फिर HS के वेरिएंट्स हैं जिसमें हमने 2.0 टेस्ट कर ली है और 1.5 जो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है वो हम बना भी चुके हैं, टेस्ट भी कर चुके हैं। देन वी हैव PHEV, तो इनिशियल फोकस तो हमारा HS पे ही रहेगा। इसके अलावा हमने पाकिस्तानियों से पूछा कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए। बिल्कुल। सो MG सच अ रिच ब्रांड कि आपके पास हैचबैक भी है, आपके पास स्टेशन वैगन भी है, आपके पास CSUV भी है, आपके पास BSUV भी है। बिल्कुल। और आपके पास DSUV भी है। एग्जैक्टली। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज नाउ डिसाइडेड कि पाकिस्तान को कौन सी गाड़ी चाहिए। बिल्कुल। बट आई वोंट बी एबल टू टेल यू कौन सी गाड़ी मैं दूंगा बिकॉज दैट्स अ सरप्राइज जिसके लिए पाकिस्तान को MG के साथ एसोसिएटेड रहना पड़ेगा। बट इसमें हमारे लिए कोई टाइमलाइन मिल सकती है कि कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑफकोर्स। सो ऑटोमोटिव का जब भी कोई प्लान बनता है तो दैट्स नॉट अ 1 or 2 year प्लान, इट्स अ लॉन्ग टर्म 5 to 10 year प्लान। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे 5 year प्लान में 3 मॉडल्स हैं। सही। इन एडिशन टू HS। सही। सो it's going to be a very exciting Sahih. automotive industry in Pakistan Sahih. and MG is going to ensure that we get all the options, all the options and all the latest features. Of course I'm so happy ki aapne sawal kiya.
एक तो पाकिस्तान एक स्टार्विंग मार्केट है. एग्जैक्टली exactly. आप पहली गाड़ी लेने जाएं आपको एक ऑप्शन मिलेगा. बिल्कुल. बल्कि आप मोस्ट प्रोबेबली उस गाड़ी का यूज्ड वर्जन लेंगे. सही. फिर आप थोड़े पैसे जमा कर लेंगे तो एक गाड़ी होगी. फिर आप जब ग्रो करेंगे तो आपके पास दो या तीन ऑप्शन होंगे. फिर आप और ग्रो करेंगे तो फिर दो ऑप्शन होंगे. दुनिया ऐसे नहीं चलती. बिल्कुल. दुनिया में यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल वराइटीज टू चूज फ्रॉम. तो एक तो ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे. बिल्कुल. जो जो मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी मैंने सोची भी थी और मैं बोलता रहूँगा, मुझे आपने याद दिला दी. वी आर गोइंग टू स्पॉइल पाकिस्तान विद ऑप्शन. स्पॉइल और डिसरप्ट. वी आर गोइंग टू डिसरप्ट. ऑलराइट. अब दूसरा सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और मैं थोड़ा पॉलिसी में जाऊँगा फिर कंज्यूमर के पास वापस आऊँगा. बिल्कुल. पाकिस्तान में सेफ्टी की कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि हुकूमत पाबंद नहीं करती आपको कि आपको हर गाड़ी में क्रूज कंट्रोल देना है या नहीं देना, या एयरबैग्स. एयरबैग्स देने, मैं इस पर आने वाला था. एयरबैग्स पे हुकूमत पाकिस्तान दो पे मुतमईन है कि दो अगर एयरबैग्स लगा दें तो दैट्स इनफ फॉर पाकिस्तानी कंज्यूमर. यकीन जाने गाड़ियों में ऐसी सिचुएशन होती है, एक्सीडेंटल सिचुएशन होती है, जिसमें जो डुअल एयरबैग्स हैं दे नॉट सफिशिएंट. यू नीड कर्टन एयरबैग्स, यू नीड नी एयरबैग्स. मैंने खुद ऐसे एक्सीडेंट्स देखे हैं जिसमें एयरबैग्स नहीं खुलते और फिर ओएम्स आपसे कहते हैं कि भाई ये वो कंडीशन ही मीट नहीं हुई. सो आई वांट टू अनाउंस टू द पाकिस्तानी कंज्यूमर, एमजी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्पेसिफिकेशंस विच कंज्यूमर गेट ग्लोबली. हम पैसे नहीं बचाएंगे, नहीं आपसे चार्ज करेंगे. पाकिस्तानी कंज्यूमर को ऑस्ट्रेलिया, यूके या किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड की जो सेफ्टी स्पेक्स हैं वो मिलेंगे. सही. आई होप द आंसर इज़ वेरी क्लियर. नहीं, आई एम गेटिंग दैट. और इसमें एक बड़ी अच्छी बात है जो मैं ऑटो इंडस्ट्री के रिलेटेड जो मेरी परसेप्शन है, हमारे पास बहुत सारी जो आउटडेटेड कार्स होती हैं वो पाकिस्तान में आती हैं. लाइक एक जनरेशन एक दुनिया में ख़त्म हो चुकी होती है एंड देन वी गेट दैट मॉडल इन पाकिस्तान और उसके बाद लोग वही गाड़ी खरीदते हैं एंड रन इट फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years. बट इन टर्म्स ऑफ एम जी आई थिंक हमारे पास HSI, ZSI, उसके बाद हमारे पास ZS EVI जो इलेक्ट्रिक है, दैट इज़ द लेटेस्ट मॉडल. आई हैव सीन दैट. और ये जो एक पॉलिसी है MG की, दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग फॉर एवरीवन. और ये जो हमारा एक कॉम्पिटिशन है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, दैट विल ऑल्सो एनहेंस. और हमारे पास इतना कॉम्पिटिशन क्रिएट हो चुका है, खासकर मैं क्रॉस ओवर में अगर बात करूँ तो हमारे पास वी हैव अ लाइन अप. पहले हमारे पास कोई गाड़ी नहीं होती थी क्रॉस ओवर सेगमेंट, बट इट्स अ न्यू सेगमेंट ना पाकिस्तान में, तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट के वी आर गेटिंग द न्यू कार्स. एंड थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो MG ने डिफरेंट डीलरशिप्स पे आपने डिस्प्ले की थी गाड़ियाँ, उसके अंदर MG5 थी, उसके अंदर हमारे पास MG5 का ही एक हाइब्रिड वर्जन था, और उसके बाद हमारे पास और भी MG Marvel R थी, MG Gloucester थी. तो वो तमाम आपने जो शोकेस की थी, तो आई वांट टू जस्ट पिन पॉइंट कि आया हमारे पास जो आपने नेक्स्ट 5 years की बात की है उसमें हमारे पास आपने कहा कि तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो वो उन्हीं गाड़ियों में से हम तीन गाड़ियां हमें मिलने वाली हैं या इट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी. फिर मैं आपको थोड़ा लंबा जवाब दूंगा. ऑटो इंडस्ट्री करती क्या है? एक्सटेंसिव रिसर्च करती है बिफोर लॉन्चिंग एनी कार. वो रिसर्च प्राइस पे होती है, वो रिसर्च स्पेक्स पे होती है, वो रिसर्च डिमांड पे होती है जो कंज्यूमर्स को रहता है. और ऑफकोर्स ट्रेंड चेंजेस. आज से 5 साल पहले कंज्यूमर्स कहते थे कि इमोबिलाइजर के बगैर गाड़ी नहीं लेंगे. आज का कंज्यूमर कहता है कि सेफ्टी स्पेक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर चेंज होता जाएगा. Exactly. सारी कंपनियाँ ये रिसर्च छुप के करती हैं. आप कैमोफ्लेज मॉडल्स देखते होंगे, वो बताती नहीं है. MG ने बोल्डली बताया कि ये ग्लोबल रेंज है, ये हम पाकिस्तान में लेकर आ गए और ये हम पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे. बिल्कुल. और हम बहुत करीब पहुंच गए. पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली चूजन द नेक्स्ट MG. सही. पूरी हमारी कैंपेन है इस पर. बट अनफॉर्चुनेटली बिजनेस डिमांड्स के मैं उसको अभी डिस्क्लोज ना करूँ. ठीक है. बट वेरी क्विक, वेरी सून यू विल सी 3 new models अदर देन HS राइट अनवील्ड टू पाकिस्तान विद द सेम स्पेक्स and they will be the current generation. Right. तो मैं ब्लेम नहीं करता और ऑटो मेकर्स को, क्योंकि जो जो फाइनेंशियल सेंस है ना ऑफ लॉन्चिंग एन ओल्ड मॉडल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन पाकिस्तान. दे डोंट वॉन्ट टू लॉन्च इट बट दे हैव नो ऑप्शन बट टू लॉन्च इट. एग्जैक्ट. तो ऑटो मेकर को ना थोड़ा बोल्ड होना पड़ता है. बिल्कुल. सो ट्रस्ट मी MG इज नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट पाकिस्तान. वी रियली होप सो. और इसके साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे हम ऑलरेडी वीडियोज़ में भी देख चुके हैं कि देर इज़ अ लाइन अप ऑफ
MGHS जो कि लोकली असेंबल्ड है, एक बल्कि 2.0 टर्बो जो आपने जिक्र भी किया है वो ऑलरेडी एक पूरा टूर कर चुकी है खुंजराब तक जाके। तो हमारे पास जो एक लाइनअप ऑलरेडी MG के लाहौर के प्लांट पे ऑलरेडी एक खड़ी हुई है वहाँ पे, तो लोकली असेंबल्ड के लाइसेंस के हवाले से कुछ आप बताना चाहेंगे कि उसमें क्या हुकूमत की तरफ से क्या आपको मुश्किलात उसमें पेश आ रही हैं, या फिर MG के अपने एंड पे क्या अभी उसमें बैरियर्स हैं जिनको सरपास करके फिर हमारे पास गाड़ियाँ वो अवेलेबल होंगी मार्केट में। सो EDB controls the manufacturing plant and everything in Pakistan. Yeah. And they have a very kind of a clear and well thought of plan how to assemble cars in Pakistan. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था MG का प्लांट रियलाइज़ होने में जो बॉटल नेक है वो ग्लोबल जो कोविड सिचुएशन और रिलेटेड फ्रेट सिचुएशन है वो है। Exactly. अगर चाइना में वो सिचुएशंस ना होती तो हमारा जो प्लांट है वो बहुत पहले पाकिस्तान में लग चुका होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान आ चुका है और वो अब लगने के मराहल में, तो जैसे ही वो लग जाएगा सो EDB हमारे प्लांट आए के उसको देखिएगा और एज पर पॉलिसी हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देगा एंड देन विल बी एबल टू गिव पाकिस्तान द CKD कार्स। ऑलराइट, तो आप कोई टेंटेटिव डेट देंगे कि कब इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का कब है? अच्छा, विद इन 2022, विद इन द लास्ट क्वार्टर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। यस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, राइट। और इसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट है, MG इज बेसिकली स्टार्टिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ EVs एज वेल, तो उसकी आप अपडेट कुछ बता सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे? अच्छा, देखिए प्लेटफॉर्म सेम होता है, अगर मैं HS का प्लांट पाकिस्तान में लगा दूँ या लगा चुका हूँ तो मैं उसी HS के प्लांट में 1.5 इंजन का ड्राइव ट्रेन और 2.0 लीटर ऑल व्हील ड्राइव भी बना सकता हूँ, मैं उसी स्ट्रक्चर के अंदर PHEV भी बना सकता हूँ। सिमिलरली जो मेरे फ्यूचर मॉडल्स हैं अगर उनके प्लेटफॉर्म जो है वो EV से शेयर करते हैं जो कि वो करते हैं तो दोज कार्स विल बी इन दैट EV रेंज, राइट। सो देर इज़ नो bottleneck इफ द प्लांट इज़ रेडी। राइट, सो ये बेसिकली हम आज सैयद आसिफ साहब ने हमें टाइम दिया है, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और कुछ अपडेट्स दी हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ MG कमिंग टू पाकिस्तान। एक्चुअली इट हैज़ कम टू पाकिस्तान बट इसका जो लोकल रोल आउट है पूरा उसके हवाले से, और इसमें मैं ये आई एम वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम कि MG इज़ नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी और द फीचर्स ऑफर्ड इन देयर कार्स। सो दिस वॉज अ वेरी गुड ओवरव्यू ऑफ MG एंड आई रियली होप कि MG विल सर्टनली स्टार्ट देयर ऑपरेशंस वेरी सून इन पाकिस्तान। एंड जैसे आसिफ साहब ने कहा कि इसी साल के एंड तक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है EDB जो है वो एक विजिट करेगा उनका प्लांट का एंड देन जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी दे विल गो थ्रू दैट एंड देन दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग अदर कार्स एज वेल। और MG के जो प्लान्स में नेक्स्ट 5 years में एज ही टोल्ड मी कि 3 गाड़ियाँ हैं विच विल कम टू पाकिस्तान। सो दिस वॉज ऑल दी अपडेट अबाउट MG पाकिस्तान, और अगर आप भी MG पाकिस्तान का स्टॉल विजिट करना चाहते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो पे तो यू कैन डेफिनेटली कम ओवर हेयर एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉल्स आई हैव सीन हेयर एट एक्सपो सेंटर। तो इफ़ यू वॉन्ट टू कम हेयर डू विजिट दिस प्लेस एंड डू विजिट द हिस्ट्री, दे हैव अ होल टाइम लाइन ऑफ MG जहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हेन MG स्टार्टेड, इट स्टार्टेड फ्रॉम UK, देन इट वॉज ओन्ड बाय साइक मोटर्स इन चाइना एंड दे हैव अ विंटेज कार एज वेल, विल शो इन यू इन द फुटेज एज वेल एंड यू कैन ओवरव्यू ऑल द स्टॉल ओवर हेयर एंड द स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव, दे विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। सो दिस वॉज इट। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेट्स फ्रॉम अस, और आप बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट साथ साथ मिलती रहे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।